सो भाई फाइनली देखो अपनी बाइक हो गई है तैयार, इम्पाउचर बांध लिया, पाइनियस बांध लिया, टॉप बॉक्स बांध लिया, तो अब बाइक पूरी रेडी है, तो यहाँ से निकलने की करते हैं तैयारी। तो मिलते हैं अब जरा बाइक पे। भाई फाइनली घर से तो निकल चुके हैं हम भाई, सुबह के उठे हुए हैं। इस बार हमने कर दिया बहुत ज़्यादा लेट, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरे दिन हमें गर्मी में सड़ना है। पहला स्टॉप हम देखते हैं कहाँ लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम शिमला पार करें, तो फिलहाल यहाँ से चलते ज़रा दिल्ली पार करते हैं। और भाई हमारी बाइक के किलोमीटर की रनिंग है अभी 11786, अलग ही नंबर हो रखा है, देखते हैं हमें कितने किलोमीटर चलना है अभी। सर आज लेट हो गया तो सीन ये दिक्कत ये मिलेगी, ट्रैफिक में फंस गया। अगर रात में निकलते हैं तो सारा ये तो रहता है, कम से कम ट्रैफिक नहीं मिलता। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जाम है और 34 मिनट स्लो दिखा रहा है। सो भाई अभी ना एक टीचर मिले हैं, पैरामाउंट्स में पढ़ाते हैं, तो देखो ये रे कैसे हो भैया। बस मैं एकदम बढ़िया, अच्छे इंसान है और काफी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। अरे थैंक यू, इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। अरे बहुत शुक्रिया, नॉलेज है सब में, काफी नॉलेज, यानी कि जो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं काफी अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है काफी अच्छे इंसान लगे। बस इंसानियत होनी चाहिए। चलो सर नाइस टू मीट यू, ओके मिलेंगे घूमते फिरते। ओके फाइनली पहाड़ हो गए हैं स्टार्ट, ये इतना बड़ा पहाड़ नहीं, उसके पीछे देखो ना, वो देखो वो रे। तो अब हम चढ़ रहे हैं शिमला की तरफ, चंडीगढ़ सिटी हमने क्रॉस कर दी, अब शिमला में एंट्री कर लिया। और अभी टाइम हो रहा है भाई 1:30 बज रहे हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं आए, नॉर्मल स्पीड में आए और जल्दी पहुँच गया हम शिमला भाई। तो भाई ये देखो बाइक फुल लोडेड, कितनी सेक्सी लग रही है भाई। कितना रह गया शिमला यहाँ से, कितना था 1 घंटा 27 मिनट दिखा रहा है बस, यानी कि 55 किलोमीटर लिखा हुआ रहा है, 55 किलोमीटर है। तो चलो भाई दोबारा से चले, मोटे की बाइक का उतर गया स्टैंड, स्टैंड की जो ये होती है ना क्या बोलते हैं इसे, स्प्रिंग उतर गया, अभी आ रहा है। और एक भाई और है जो हमें कर्नाटका से आ रहे हैं, लद्दाख जा रहे थे, बट लद्दाख बंद है, भाई को हम अपने साथ ही लेके जा रहे हैं स्पीति। भाई देख रहे हो एफजेड से कर्नाटका से आ गए हैं, निकली कैसे पेट्रोल पंप पे देखा तो अपने आप ही। अच्छा हो गई भाई ठीक, चलो भाई दोबारा बैठ लो बाइक पे, अब तो ज़िंदगी ऐसी रहेगी, उतरो बैठो, उतरो बैठो। ओ भाई मौसम देखो खतरनाक, बूंदाबांदी होने लग गई है एकदम ही, और रात का ठिकाना ढूंढना है अभी फिलहाल जल्दी से। अभी तो वैसे अपना सेटअप पूरा वाटरप्रूफ है। ओ भाई साहब पहला दिन ही बर्फ़ में राइड, बारिश में राइड हो गई है पहले दिन ही, और जगह ढूंढनी है, कैंप लगाना है या होटल लेना है, अभी तो ये नहीं समझ आ रहा है। भीग गए भाई पहले दिन ही भीग गए। और भाई एक और बात, अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना, और भाई कमेंट में ज़रूर बता दो हाय हेलो भाई टाटा सी यू कुछ तो लिख के जाया करो यार, कमेंट में कुछ भी कमेंट ड्रॉप कर देना भाई, हो सकता है वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए। और अभी फिलहाल क्या है ना नारकंडा की तरह जा रहे हैं, बारिश देखो आपको रोड गीले दिख रहे होंगे, अब हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं, अभी देखते हैं भाई अगर होटल मिलेगा तो होटल लेंगे, नहीं तो अगर कैंप लगाने की जगह मिलती है कहीं जहाँ पे हमारा सामान सेफ रहे तो कहीं पे कैंप लगाते हैं चल के ज़रा। भाई साहब अब हो गई है बारिश तेज, लगा लेते हैं इधर। बारिश तेज हो रही है लगा लो, एक मिनट भाई। So भाई इग्नोर फेस, बारिश हो गई, बारिश ने हमारा रास्ता रोक दिया है, और ये देखो बाइक को भी शटर के अंदर डाल दिया है। आज हो सकता है रात का ठिकाना हमारा यहीं पे हो, रात को शायद कैंपिंग यहीं पे करेंगे आज। और अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, तो देख रहे क्या वेदर, नहीं देख रहा तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर मौसम रुकता है ना, ये बात भी सही कह रहा है, वेदर तो सामने दिख रहा है, अगर भाई मौसम खुलता है, अगर बारिश रुकती है तो आगे चलेंगे, ठंड लग रही है, नहीं तो आज यहीं पर रुकेंगे। सो एक प्लान अब इस तरह से है, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बाइक हमने लगा दिया बाहर और इतनी जगह पे लगाएंगे हम कैंप। चलो भाई लगाना स्टार्ट करते हैं, दोनों निकाल लिए क्या, चलो भाई कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग क्या है रेन बसेरा बना रहे एक तरह का। क्या है सीन, ये नीचे बैठ रहा था तो अभी हमने जहाँ पे कैंप लगाया था ना वहाँ थोड़ी सी लकड़ियाँ जला रहे हैं, और रात का खाना वाना पैक करवा के ले आए क्योंकि हम हमारे पास ब्रूटेन उटेन तो सब है। ये देखो हमारे पास, पहली बार जला रहे हो क्या भाई, ये बताओ पहली बार जला रहे हो, तो हमारे पास ये ब्रूटेन उटेन तो सब है। आए भाई माचिस माचिस माचिस, तो अरे बंद करो
तो अभी यहाँ पे जरा तो सारी एग, एग लगाते कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा आग लगा लेते, कैंपिंग बड़ी खतरनाक होने वाली आज हमारी। अरे जल गया जल गया जल गया, हाँ अब सही है भाई। तो भाई ये देखिए हमारा खाना, और उस तरफ जल रही है अपनी आग और इस तरफ फट रही है अपनी समझ रहे हो ना भाई, ये देखो भाई साला बाइकिंग करना ट्रैवल करना लोगों को लगता है कितना आसान है, और फिलहाल अपनी आग का बंदोबस्त तो सही हो चुका है, आज पूरी रात इसी के सारे काटनी है। और ये देखिए हमारे कैंप, एक कैंप दो कैंप और तीन बाइकें हैं अब हमारे पास। हाँ भाई तो भाई अलग ही लेवल की ट्रिप हो रही है, तो पहले दिन में हमारे साथ देखो भाई क्या मज़ेदार सीन हो रहा है। क्या हुआ बोलना चाहते हो कुछ बोलो भाई, क्या हो गया? गिर जाएगा कोई नहीं उठा देंगे। अब देखो भाई खाना चल रहा है, यहाँ पैक करा के ले आए थे हम एक ढाबे से, और बाइक की लाइट जला दी है, सारा सामान कैंपिंग का अंदर है, तो चलो खाना खा लेते हैं हम जरा। ये देखो भाई भर भर के खाता है, बैठने की जगह नहीं। सो भाई चलो, चम्मच कम दी है क्या? मैंने नहीं जलाई भाई, अरे जल गई होगी। सो भाई चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग का मजा लेंगे, पूरी स्पीति की वैली स्पीति के ब्लॉग्स दिखाएंगे, सीरीज दिखाएंगे कैसी चलनी है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।